राम राम सारे ने भाई, स्वागत आपका मेरे एक YouTube चैनल पे दोबारा। यो अपना भाई रितेंद्र पैरा एथलीट है और यो भाई अपने बारे में बताओगा, बता भाई रितेंद्र थोड़ा कुछ अपने बारे में। और अपनी स्ट्रेचिंग चल रही है और आज का हमारा मेन मुद्दा है एंकल पेन। तो एंकल पेन पे भाई यो भाई अपना वर्ल्ड खेल रहा है इंटरनेशनल थी, ये बोरा गे भाई की तैयारी है। तो मेरा इंस्पिरेशन है जो इन शुरू हो भाई। तो बाकी आज का एक टॉपिक हमारा मेन है एंकल इंजरी पे। बहुत बड़का के थे भाई क्वेश्चन भाई एंकल इंजरी पे बना कोई वीडियो, एंकल इंजरी हमारे पेन है पैरा में दर्द है तो उसके ऊपर आज का टॉपिक स्पेशल। पता कि है मेन रीज़न आपका शुरुआत हुआ है एंकल इंजरी में आपके शूज़ से, स्टार्टिंग टाइम आते लगाओ रीजंस तो बहुत सारे हैं, शूज़ से लगा लो। एक अच्छा क्वालिटी का शूज़ होना चाहिए बंदे के पास में, अगर एक अच्छी क्वालिटी का शूज़ ना होता जब भी उसके एंकल इंजरी के भी चांस हो हैं। दूसरी चीज़ भाई फिर वो लगा लो एक सरफेस, हार्ड सरफेस पर रनिंग कर ले कोई बिगिनर हो है मसल्स कमज़ोर हो उसकी। तीसरी चीज़ लगा लो भाई आप डर्ट एरिया ज़्यादा मतलब वॉक वगैरह करो हो या फिर कैसे भी कुछ है। चौथी फिर भाई बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, बॉडी में पानी की कमी होने से भी भाई एंकल इंजरी के चांस हो जाए कि मसल स्टिफ हो जाए। और चौथी पांचवी चीज़ आपकी स्ट्रेचिंग, आप ये आप वगैरह स्ट्रेचिंग नहीं करते तो उससे भी ज़्यादा चांस हो जाए भाई आपका एंकल इंजरी के। एंकल नहीं आपके ऑलमोस्ट जो लोअर लेग्स इंजरी है वह हो है, या फिर आपने लगा लो थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाए तो B12 वगैरह भी खाया करो। प्रिकॉशंस से एक अच्छा शूज़ पहनो, एक अच्छा सरफेस हो, अवॉइड करो जितना बिगनर्स अपने सिंथेटिक ग्राउंड में, अपना कोशिश करो कि अपना भाई सॉफ्ट सरफेस पे रनिंग करो। ऑलमोस्ट जितनी ईजी रनस है जोग है वो अपना सॉफ्ट सरफेस पे एक अच्छा फॉर्म का जूता लो। और बाकी जितनी है अपने भाई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे डेली, नहीं तो एक दिन दो दिन छोड़ के अपना एक टॉपिक पे आप तो डिस्कस करते रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, फॉलो कर लियो इंस्टाग्राम पे और मैं बाकी लिंक डाल दूँगा। धन्यवाद।